टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अरे सलीम, तू शबनम तो तुझसे ही मिलने गई है। क्या, मुझसे मिलने? हाँ हाँ, देख मुझे सता मत, उसको बुला, मुझे पता है वो मुझसे मिलने कहीं नहीं जा सकती। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो सच में तुझसे ही मिलने गई है। मगर कहाँ गई है मुझसे मिलने? हाँ, पहले वो इकबाल की दुकान पे जाएगी और फिर जाकर पूछेगी कि तुम कहाँ मिलोगे और फिर वहाँ जाएगी। मगर इकबाल तो दुकान पर नहीं है, वो तो अपनी खाला के घर की है। अब क्या होगा? शबनम को ऐसी जल्दी थी क्या जो घर से निकल गई? मेरा इंतजार भी नहीं किया। अरे उसने बहुत इंतजार किया तुम्हारा। असल में बात यह है कि फुप्पो ने उसके रिश्ता खाला खैरन के बेटे से तय कर दिया है। बेचारी बहुत परेशान है। ये तो मुझे भी पता है, इसीलिए उससे बात करने आया हूँ। वो बेचारी भी तो तुमसे बात करने के लिए इसीलिए निकली है। अरे हाँ, अब तुम जल्दी जाओ, जाके उसे इकबाल की दुकान पे देखो। अगर इकबाल भी वहाँ नहीं हुआ तो पता नहीं बेचारी कहाँ कहाँ भटकेगी। मैं उसे इकबाल की दुकान पे देखता हूँ। हाँ। सुन, ये ले, ये सलमा को दे देना। एक को खत दे रहा है, दूसरी से मिलने जा रहा है, बहुत ही चला के तू। ए, होश में रह, इकबाल ने दिया, सलमा को दे देना। अच्छा अच्छा, बस आला भी किधर रहेगी पता नहीं। अरे इकबाल बेटा, तू सलाम खाला। अरे वालेकुम सलाम। वो अरे तू बैठ तो सही। हाँ इकबाल, बोल क्या बात है? वो खाला, अम्मा ने जबान वापस मंगाई है। जबान? कौन सी जबान? वही जो तुम लाई थी उनसे। मैं आपा से कौन सी जबान लाई थी? हमारे यहाँ तो कोई जबान खाता ही नहीं। हाँ, यही तो मैं अम्मा से कह रहा था कि खाला के यहाँ तो कोई जबान खाता नहीं है, फिर तुमने उनको जबान क्यों दी? मगर अपा ने तो मुझे कोई जबान नहीं दी। पक्की बात है ना खाला? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं आपा ने तुझे कैसे कह दिया। हाँ, खाला बस अब इस बात से मुकरना नहीं कि अम्मा ने तुम्हें जबान नहीं दी। हाँ, जब उन्होंने दी नहीं तो मुकरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो फिर ठीक है, अब कोई मसला नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं खाला, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, वो रुबीना कहाँ है? अरे वो पड़ोस में गई है। और हाँ, अब तू ये ताकना झांकना छोड़ दे, समझे? खाला मेरी तरफ से तो खत्म ही समझो बस। क्या मतलब? अरे मतलब मैं छोड़ो खाला। अच्छा ये बताओ, रुबीना की शादी करनी, एक बड़ा अच्छा रिश्ता है मेरे पास। हाँ। अरे तू पागल हो गया है क्या? अपने होने वाली बीवी की शादी तू किसी और से करवाएगा? अरे खाला, मेरी होने वाली बीवी की शादी मुझी से तो होगी, मैं तो रुबीना की शादी की बात कर रही हूँ। हाँ। देख इकबाल, मुझसे ऐसा बेहूदा मजाक मत करना, समझे? नहीं नहीं खाला, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ, बड़ा अच्छा रिश्ता, बड़े पैसे वाले लोग हैं, लंदन का लड़का है, लंदन का। रुबीना लंदन चली जाएगी, हाँ देखना तुम। अरे रुबीना की शादी तो तेरे साथ तय हो चुकी है लड़के, क्या तुझे पता नहीं? कल ही तो आपा ने मुझे जबान दी है। खाला अभी 2 मिनट में मुकर गई तुम, अभी तो तुमने वादा किया था कि तुम मुकरोगी नहीं इस बात से। है किस बात से भाई? अरे इसी बात से ना कि अम्मा ने तुम्हें कोई जबान नहीं दी है, अभी तो तुमने कहा था। अरे खुदा की मोहर पड़े तुझे इकबाल, अगर तुझे शादी नहीं करनी थी ना तो साफ साफ इनकार कर देता। हाय हाय, मुझे नहीं करनी अपनी फूल जैसी बच्ची की शादी तुझसे। हाँ, मैं ये शादी ऐसे तोड़ रही हूँ, कह देना आपा से। हाँ या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अरे खाला ये बात ना तुम खुद ही अम्मा से कह देना। हाँ, और वो लंदन वाला रिश्ता है ना, थोड़े में जाए तू और तेरा लंदन वाला रिश्ता। दबाओ यहाँ से।
अरे मेरी बात तो सुन, नाराज क्यों हो रही है खाला, मेरी बात तो सुन ले। अरे बहुत पैसा है लोगों के पास, बड़े ऐश करेगी रुबीना। अरे दफा हो जा यहां से निकल। हाय हाय क्या हो गया इस लड़के को? आप आए तो मैंने अच्छी आज तेरी खैर है नवीद बेटा, तक तो खालू को पता भी चल गया होगा कि मैं उनके पीछे पहलवान के घर गया था। कसरत करके आ रहे हो खालू, फुल शौक हो रहा है जवान बनने का है? रोज पहलवान क्या खड़े जा रहे हैं, लेकिन खालू पहलवान के अखाड़े जा क्यों रहे? वे जब से खालू को पता चला है मेरे चक्कर के बारे में, तब से तो खालू कसरत नहीं कर रहे। अबे क्या हो गया? पहले ही खालू हड्डी पस्ती तोड़ने की बात करते थे, तो टांगे हड्डी पस्ती सब कुछ तोड़ देंगे। अरे खालू कहाँ गए? खालू यहाँ है। खालू कहाँ गए का बच्चा, ये किसको ताका जागी कर रहा था? किसी को नहीं खालू, किसी को नहीं, किसी को नहीं, मोहल्ले के लफंगे लफंगा गिरी करते फिरते हो इधर और मोहल्ले में ताका जाग, बताना किसको ताका जागी कर रहा था? खालू कसम से हाशिम से छुप रहा था, बार बार नहीं सही कर, मुझे चीन के लेके जाना। चुप करो, चुप करो, लफंगे वो भी तेरी तरह मोहल्ले का दो कौड़ी का लफंगा ही है। बताओ अजीब इस मोहल्ले पर मुसीबत पड़ी हुई है, कोई किसी की साइकिल चुरा रहा है, कोई किसी की मूंगफलियां छीन के भाग रहा है, कोई किसी की दीवार पे चढ़ के दूसरों के घर में झांक रहा है। दीवार अदनान जबरदस्ती मुझे दीवार। ओहो इसका मतलब ये है कि ये कोशिश तू भी कर चुका है, तू भी कर चुका है ये कोशिश। मैं ना तुझे ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा, याद रख मासूम शक्ल के दरिंदे, मैं तुझे है ना गले में रस्सी डाल के उसी जगह उसी दीवार के ऊपर उल्टा टांगूंगा और छुरी निकाल के तेरी है ना खाल काटूंगा ऐसी शपड़ 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 शेक करके। लेकिन अभी मुझे जाना है, मुझे बाजार जाना है। एक काम करते हैं, कल आएगा तू 4:30 बजे? टाइम से पहुंच जाऊंगा खालू, एक दफा बोलो। पक्की बात है? जी जी खालू मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। आ जाना। हाँ हाँ क्योंकि मुझे लटकाना है तुझे, 4:15 बजे तक पहुंच जाना। जी जी ठीक है जी। एक रस्सी का टुकड़ा और एक बुगदा लेके मैं तुझे उल्टा लटकाऊंगा, और अगर तू फंदे से बच गया तो फिर तो तू भाग जाना, और नहीं बचा तो फिर समझ गया ना 4:15 बजे। लेकिन हाँ मुझे क्या पता कि तू आएगा कि नहीं आएगा, मुझे जमानत चाहिए। जबान खालू नहीं तेरी जबान, लानत भेजता हूँ ऐसी जबान पे, ये मेरे पास रहेगी गिरवी। कल 4:30 बजे आ जाना, घड़ी ले जाना, और अगर कल तू नहीं आया तो ये मैं बेच दूंगा। खालू ये अब्बा की निशानी है। ध्यान बेटा, मैं भी तेरे अब्बा की निशानी हूँ। माला से गिरा रुबीना में अटका। माला से जान छूटी थी तो मनुस रुबीना कूद पड़ी है बीच में। काश वो अदनान और रुबीना की शादी करा दे तो मेरा और शबनम का तो मसला ही हल हो जाएगा ना। ये शबनम पता नहीं कहाँ रह गई है, अगर उसे एक बाल नहीं मिला था तो अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, तो अब्बा भी आने वाले होंगे। क्या पता इकबाल का इंतजार करने बैठ गई हो। बेवकूफ तो है एक नंबर की, दुकान पर खड़ी इंतजार कर रही होगी, वो भी सलीम का नहीं इकबाल का। हो सकता है उसे सलीम मिल गया, वो यहाँ से वहीं गया था ना। जो भी हो अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, अगर अब्बा आ गए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब दे सकते हैं उन्हें? मैं तो बता दूंगी उन्हें कि अब्बा वो ना इकबाल की दुकान पे सलीम से मिलने गई है।
पागल हो गई है क्या? खाल उधड़वाएगी शबनम की? तो क्या मैं अपनी खाल उधड़वा लूं उसको बचाने के चक्कर में? तेरी खाल कौन उधेड़ेगा? अब्बा ही उधेड़ेंगे जब उन्हें शबनम के बारे में कोई जवाब नहीं मिलेगा। हाय हाय नाजिया, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। यार शबनम पहले आ जाए, अब्बा के आने से पहले घर आ जाए। आमीन। वैसे बात सुनो, अगर खाल उधड़वाने की बारी आई ना तो अपनी उधड़वाना, मेरी वैसे ही बहुत नाजुक है। बकवास बंद कर। अच्छा सुनो सुनो, खाने में क्या बनाया? वैसे कद्दू बनाए, पेट भर के खा ले। हमारी तो टेचियां भी तरस गई कि कुछ कभी होश मिल जाए उन्हें। अरे तो अब क्या करें, वो तो टांगे तोड़ने की धमकी दे गया। Broken leg, making pillow. देख बात सुन, ये अपनी अंग्रेजी ना मेरे पे मत झाड़ा कर, ये दूसरों के लिए तुझे कहा है मैंने करने के लिए, खामखा में ब्रेकिंग पता नहीं क्या। अरे अम्मा अंग्रेजी इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम सीख जाओ, आखिर तुम्हारा बेटा लंदन रिटर्न है, कोई मजाक नहीं है। चूल्हे में गया तेरा लंदन और भाड़ में गई तेरी अंग्रेजी, कोई रोब नहीं डाल सका तू साबिर अली पे, ना अंग्रेजी का ना लंदन का। अम्मा ऐसा करते हैं कि बारात लेके चलते हैं, हो सकता है खालू मजाक कर रहे हो। चलो ठीक है, मजाक मजाक में हम लोग बारात लेके जाएंगे, मजाक मजाक में वो लाठियां चला के मेरी टांगे तोड़ दे। हैं, मेरी टांगे तो असली है ना, प्लास्टिक की तो नहीं है। अम्मा कोई तरकीब सोचो, आई डू मैरिज शबनम। सोचना तो पड़ेगा। अरे बात सुन, वो इकबाल कहाँ गया जिससे मैंने कहा था कि तू साबिर अली की टांगे तोड़ना? अम्मा इकबाल जब आया था तो तुमने उसको इतना जलील करके घर से निकाल दिया, अब उसके बारे में सोच रही हो? अरे हाँ, उसकी तो बहुत बेइज्जती की थी मैंने, लेकिन मुझे क्या पता था, उस वक्त तो साबिर अली रिश्ते के लिए मान गया था। हाँ बाद में बदल गया। चलो खैर देखते हैं कुछ करेंगे। उससे बात करूंगी तो अब वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? अम्मा सुनेगा कैसे नहीं, मेरा नाम भी खैरन है, दोबारा मना लूंगी उसे, लेकिन इस साबिर अली की टांगे ना उसी कसाई से तोड़वाऊंगी, तू देखना। क्या बात है अम्मा, वैसे एक बात है कि इस मोहल्ले में क्या टांगे तोड़ने का रिवाज है? खालू भी टांगे तोड़ने की धमकी देते हैं और तुम भी टांगे तोड़ने की धमकी दे रही हो। इससे पहले कि तेरी टांगे तोड़ दूं और चौक पे बिठा दूं अंग्रेजी में भीख मांगेगा, चला जा। फिर टांगे तोड़ने की धमकी। आखिर कब आएगा इकबाल? बस आने वाले होंगे उस्ताद। इकबाल से नहीं मिली, पता नहीं सलीम से कब मिलूंगी। जी एक बात बता, सलीम आता है इधर? वो तो रोज आते हैं। तो आज क्यों नहीं मर रहा इधर? वो सुबह सुबह थोड़ी आते हैं, वो तो शाम को आते हैं। आप एक काम करो इधर बैठ जाओ, शाम तक दोनों आ ही जाएंगे। हाँ ये सही किया तूने, तू मुझे कीमा कूटना भी सिखा देना, तेरा हाथ भी बटा दूंगी मैं, है ना? ये ठीक है, ऐसा करें आप इधर घूम के आ जाएं और देखिए इसको कहते हैं चापड़ और ऐसे ही पकड़ते हैं चापड़। ये देखा है तूने, झापड़ कहते हैं इसको, मुझे पेट दूंगी तेरा, अपनी अम्मा को क्यों नहीं सिखाते कीमा कूटना? अम्मा ने तो मुझे कूट कूट के कीमा कूटना सिखाया। अब खामोश होके बैठ जा, नहीं तो अभी कूट दूंगी तुझे। कल्लन तेरे तो नसीब ही खराब है, अब तो हर एरा गैरा कस्टमर तेरे को डांटने लगा है। क्या क्या किया तूने, क्या किया? तूने मेरा गोश्त निकाला? आओ साबिर खालू, आओ आओ बैठो, बिस्तर लगवा दे, मैं यहाँ लेट भी जाता हूँ। अबे मैं क्या बैठने आया हूँ तेरी दुकान पे? बैठो खालू, कहाँ है मेरा गोश्त? निकालता हूँ ना खालू, एकदम बेहतरीन गोश्त निकालता हूँ तुम्हारे लिए। अबे निकाल के क्यों नहीं रखा जब पहले तुझे बता दिया था? इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बैठ के यहाँ पर इंतजार करूँ गोश्त का, मैं कहीं और से ले लूंगा। अरे खालू रुको तो सही, मुझे उस्ताद ने कहा था कि सामने निकाल के दियो ताज़ा गोश्त बिल्कुल। अबे चुप, ताज़ा ताज़ा गोश्त निकालना क्या बछिया ज़िबा करेगा मेरे सामने तू? निकाल के क्यों नहीं रखा था पहले से? अभी निकालता हूँ। इन्हें क्या चाहिए? ख़वातीन को पहले फारिग कर दिया करो, ये बुरी बात है, इनको ज़्यादा देर खड़े मत रखा करो, समझे? इन्हें गोश्त नहीं चाहिए, इन्हें सलीम चाहिए। क्या चाहिए? मेरा मतलब है इन्हें सालिम रान चाहिए। सालिम रान चाहिए मुझे। तो पहले इन्हें दे दे सालिम रान, मैं जब तक कुछ और सौदा लेके आता। अरे खालू तुम्हारा गोश्त तैयार है, बस 5 मिनट में अभी देता हूँ। वैसे भी उस्ताद ने कहा था कि खालू को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकना। क्या 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 कहा था उसने? हैं, किसको रोकने कहा था? अबे बासुन ये तेरा उस्ताद क्या चक्कर चला रहा है?
खालू वो अरे 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 बात सुनो भाई, बस अपनी साली मरान तो लेती जाओ। वो अब्बा से मंगवा लूंगी, अब्बा से मंगवा लूंगी। अबे मैं क्या सठिया गया हूँ? जिस लड़की की भी आवाज सुनता हूँ ऐसा लगता है जैसे घर में बैठा हुआ हूँ। चल भाई जल्दी से गोश्त निकाल के दे। तू ये क्या निकाल रहा है? तू सही से गोश्त निकाल। ऐसा बर्फी ऐसा गोश्त खा लूं कैसी बातें कर रहा है? अबे बर्फी क्या, मैं मिठाई की दुकान पे आया हूँ। बर्फी बर्फी गोश्त निकाल के दे, काट। दो मिनट, टाइम नहीं है मेरे पास। अबे छिछड़े निकाल रहा है, मेरी नजर क्या उधर हुई? तूने छिछड़े निकालना शुरू कर दिए। कसम ले लो, सब उतार के फेंक दूंगा मैं, बता रहा हूँ। दो मिनट में चल चल जल्दी कर। जल्दी कर, जल्दी जल्दी जल्दी। अब बता क्या बात हुई है, बता ना। मैं एक भर की दुकान पे खड़ी थी, वहाँ अब्बा आ गए। हाय अल्लाह, क्या? एक मिनट, हड्डियाँ नहीं पकड़ो मेरी। फिर क्या हुआ? हरी हड्डियाँ तो सलामत है इसकी। सही बता, हमारे अब्बा तो नहीं हो सकते। किसके अब्बा थे वैसे? हमारे अब्बा थे, मैंने ना फौरन नकाब डाल लिया, वरना तो है। यानी अब्बा ने तुझे पहचाना नहीं? पहचान लेते तो क्या मैं घर आती? अब्बा 8-10 किलो कीमा और ले आते घर। ओहो, 8-10 किलो? ये कहो कि ट्रक भर के गोश्त लाते अब्बा, 2-3 बच्चा का गोश्त तो निकलेगा। हे, खुद तो हल्की सी फूंक से उड़ जाती है ना, पाँव झटक की। तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो, ये बता फिर क्या हुआ? होते होते बच गया। सोचो, अब्बा मुझे कसाई की दुकान पर मिल गए, जहाँ छुरी, चापड़, बुगदे सब थे। बाकी शबनम तू बच गई, अगर तू बोल देती ना तो अब्बा तेरी आवाज पहचान लेते। बोली तो थी मैं दो दफा उस मनोज कल्लन की वजह से। क्या, तू अब्बा के सामने बोल पड़ी? अब्बा ने तेरी आवाज नहीं पहचानी? वहां तो नहीं पहचानी, यहाँ आकर तो नहीं पहचान लेंगे। ये तो तुम्हारा नसीब है। गोश्त का ट्रक घर नहीं आना था, बल्कि घर से मंडी जाना था। कभी कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करो मनुज। एक तो मैं अपनी जान पर खेलकर उस सलीम के बच्चे से मिलने के लिए गई, और मुलाकात भी नहीं हो सकी। तू परेशान मत हो शबनम, तेरे जाने के बाद ना सलीम यहाँ आया था, और उसे ना अदनान के किस्से का भी पता है, और ना वो इकबाल का खत भी देख गया। वैसे उसका माला वाला का कोई चक्कर भी नहीं है, लेकिन अब इकबाल की खाला साहब का मसला फिर खड़ा हो गया है। उनको सब पता है ना, फिर तो वो दोनों मसलों का हल खुद ही निकाल लेंगे। गिलास पानी और ला दे। उसने को चांद जवानी को गजल कहते हैं, ऐसी बोटी जो बनाए तो कल्लन कहते हैं। बात सुन, कल यहाँ कोई आया तो नहीं था? आए थे, साबिर खालू। साबिर खालू या उनकी उनकी पहले आई थी, साबिर खालू बाद में। हाँ शुक्र है उनकी मुलाकात नहीं हुई। हो गई थी क्या? मतलब क्या साबिर खालू ने उसको यहाँ देख लिया था? हाँ, उसे यहाँ खड़ी थी कि साबिर खालू आ गए। अबे उससे कौन नाम बता? नहीं भाई, मुझे क्या पता, ये दोनों नाम तो मुझे आपने बताए, उनकी और उसे। अबे अच्छा बकरात, फिर क्या हुआ? साबिर खालू ने क्या किया? कुछ भी नहीं, पहले बोटियां बनवाई, फिर कीमा बनवाया और ले के चले गए। क्या क्या? मेरी शबनम की बोटियां और मेरी शबनम का कीमा बना दिया साबिर खालू ने। नहीं नहीं नहीं, साबिर खालू ने जिसका कीमा बनवाया है, जिसका नाम शबनम नहीं था, जिसका नाम तो रानी था, रानी जिसे कल ही उस्ताद ने जिबा किया था। अबे शबनम उस लड़की का नाम था जो यहाँ आई थी, उसके साथ क्या हुआ ये बोल। तो यूं बोलो ना सलीम भाई, उन्होंने तो नकाब पहना हुआ था,
खालू उन्हें पहचान नहीं सके और वो यहाँ से आराम से चली गई। शुक्र है यार। साबिर खालू ने कुछ पूछा तो नहीं इसके बारे में? पूछा था ना, उनके जाने के बाद कहने लगे ये लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही है और इसने यहाँ से गोश्त भी नहीं खरीदा तो आखिर ये क्यों आई थी? फिर क्या, मैंने कह दिया यहाँ गोश्त लेने थोड़ी आई थी, वो तो सलीम से मिलने आई थी। क्या क्या, अबे ये क्या कर दिया तूने? क्या मुझे गाय की तरह कुर्बान करवाएगा? नहीं नहीं, आपकी कुर्बानी नहीं हो सकती। क्यों, आप हलाल थोड़ी हो? अबे हलाल के तू आराम से अपने भाई लग अब ना मेरे लग जाएगी बाहर निकल मैं अब कह रहा हूँ बाहर निकल जाएगी अबे कैसे लगेगी उल्टा पकड़ा सलीम भाई फिर भी लो आए लग जाएगा सलीम भाई क्या कर रहे हो यार बाहर निकल तू बाहर निकल आप तो जानती हैं मैं सिर्फ एक बार से शादी करूंगी। अरे जब वो खुद ही नहीं करना चाह रहा तो तू कैसे करेगी उससे शादी? बावली हो गई क्या? इकबाल के ना चाहने से क्या होता है, खाला मैंने खुद आपसे बात की थी। ठीक है ठीक है, चली जाऊंगी कल मैं तेरे लिए, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लेना, अगर आपा ने भी वही कहा ना जो इकबाल यहाँ कह के गया है तो दोबारा मुझसे खुशामद नहीं होगी उनकी। हाँ समझ गई? आप खाला अम्मा से दोबारा बात करें, इकबाल कौन होता है रिश्ता तोड़ने वाला, जब उन्होंने खुद ही बात की थी तो वो तो खाला अम्मा ने खुद कह दिया, वरना आप जानती थी कि ये बात तो आपको करनी थी। मैं भी यही चाहती हूँ, आखिर मेरी बहन का बेटा है, इससे अच्छा रिश्ता और मुझे कहाँ मिलेगा? आप खाला से जाके खुद मिलें, उन्हें बताएं इकबाल ने क्या कहा है, फिर देखें वो क्या करती हैं। अरे चुप हो जा, सर में दर्द कर दिया तूने मेरे। ओहो, मैं तो जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, और हाँ चाय बना कर जब वापिस आऊ ना और यूं रोती मिली तो जान निकल दूंगी तेरी मैं। अबे ये क्या किया यार, खाली अपने ही मसला हल करके आ गए, खुद गर्ज कहेंगे। अबे बात सुन, अगर खाला रुबीना और अदनान की शादी कराने पे राजी नहीं है तो भाई मैं क्या करूं? अबे नहीं करवा रही तो क्यों रुबीना से शादी कर लेता, कम से कम एक साथ बर्बाद हो जाते, दिल को तसल्ली तो रहती। चल तू अभी बर्बाद हो ले, मैं फिर कभी हो लूंगा। क्या मतलब, लंदन के रिश्ते का लालच भी काम नहीं आया? बात सुन, मेरी खाला लालची नहीं है। नहीं यार, हैरत है, तेरी सगी खाला है ना? हैं? इकबाल, अरे इकबाल मेरा बच्चा, कितने दिन हो गए घर नहीं आया तू है? भाई बहुत दिन से तुम्हारा बच्चा नहीं आया तो इसमें इकबाल क्या करे? तू चुप कर, कभी कभी तो घर आ जाया करना, तो याद करती हूँ मैं तुझे, आता नहीं है। वाह खाला, उस दिन जब आया था दरवाजे पे तो भगा दिया, अब पुचकार पुचकार के बुला रही हो। वाह, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जाया करना, तेरा तो घर है। काम बताओ खाला, काम क्या है? कोई काम नहीं है तुझसे मुझे, तू आ जाना ना, तेरे लिए चाय बनाऊंगी और चाय के साथ पकौड़े भी बनाऊंगी। हैं? ये मेरे बगैर पकौड़े नहीं खाता खाला। मैं सलीम के बगैर कहीं नहीं जाता हूँ। अच्छा ले आना ना इसे भी। हैं? अच्छा खाला आप काम भी बता दो, मैं झट से कर दूंगा। हाँ वो साबिर अली है ना, वो अदनान और शबनम के रिश्ते के इनकारी हो गया है। हाँ और है ना, टांगे तोड़ने की धमकी भी दे गया। फिर तो मैं ना तुझसे उसकी हड्डी पसली एक करवाऊंगी। क्या कह रही हो खाला, मैं साबिर खालू की हड्डी हड्डी तोड़ देगा? खाला तोड़ देगा, जोड़ जोड़ अलग कर देगा, ये तो इसके बाएं हाथ का खेल है। क्यों मैं इकबाल? अबे मैं हाँ हाँ खाला तोड़ दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। हाँ तो फिर तू कल आना, वहीं घर में बैठ कर तुझे बताऊंगी आगे क्या करना है। हाँ खाला ठीक है ठीक। ये आएगा साथ? अब खाला ये भी साथ ही आएगा। अबे अबे बात सुन, तो तुझे क्या जरूरत थी ये बोलने की कि खालों की हड्डी तोड़ देगा ये? तुझे तेरे भाया का काम नहीं। अबे भाया आपके काम के बच्चे, अभी सलमा को पता चल गया तो वो मेरी सारी हड्डियां तोड़ देगी। मरवा दिया तुमने मुझे।
खैर अभी तो तुझसे बहुत सारे हिसाब किताब करने किधर जा रहा था? वो मैं पता है साबिर भाई, मैं हिसाब में कमजोर हूँ, तो आप किसी और से ले लीजिएगा। हिसाब में बहुत कमजोर है, हाथ हटा। जी जी, हिसाब में कमजोर है। ओहो हो, ये तो तेरी तो टांगे भी कमजोर हो गई, कांप रही हैं। वो लगता है कि तेरी हड्डियों का बुरादा जो है ना वो खत्म हो गया है, तेरा मुंह लटक गया है, तेरी हड्डियां अब चटाख पटाख बोलने वाली हैं, क्योंकि बुढ़ापा ऐसे ही आता है। देखें, मेरा कोई कसूर नहीं। नो 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 नो, कसूर किसी का नहीं होता, कसूर इस बुढ़ापे का होता है जो आता है। चीखें सबकी निकलती हैं, जवानी ढलकती हर एक की है, मगर कमाल की बात है तेरे पे बुढ़ापा नहीं आ रहा। खबीस, तुम चलते फिरते लोगों के घरों में ताकते झाकते क्यों नहीं आया बुढ़ापा? वो बस वो ऐसे ही। और हाँ, ये ताक झाक की आदत तेरे वो लफंगे भतीजे में भी आई है। क्या मतलब? दीवारों पे चढ़कर दूसरे के घरों में झांकता है, और वो भी साबिर अली के घर में। कौन कौन कौन? वही तेरा भतीजा लफंगा नंबर टू। और कौन? ये यकीन कीजिएगा साबिर भाई, मुझे नहीं पता था कि वो आपके घर में। उसकी क्या मजाल कि वो मेरे घर में, यानी साबिर अली के घर में जाके, वो तो खैरन की दीवार से मेरे घर में झांक गया मर्दो। जी 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 क्या कहा? एक बात अपने भतीजे को अच्छी तरह से समझा दें। जी। अगर आइंदा वो इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करेगा जी, तो मैं इसी दीवार के अंदर उसे चुन दूंगा। अच्छा अच्छा। खैरन उससे तो साबिर अली निपटेगा। नवीद, परफ्यूम कम दोस्त। अबे कट्टी ताड़ू यू एंड फंसा आई। अबे ताड़ दूर आता फंस में गया। क्या हुआ? फुफ्फू अंडरस्टैंड कि मैं उनको ताड़ रहा हूं। बिफोर ब्रिंग बरात वेरी हार्ड एंड नाउ फुफ्फू एंग्री फ्रॉम अप। अबे क्या बक रहा है? अबे लल्लू, मैं कह रहा हूँ कि पहले बारात ले जाना मुश्किल था, और अब ऊपर से फूफा भी नाराज हो गई है। देख, मुझे पता है तू लंदन से आए, लेकिन मुझसे साफ साफ उर्दू में बात किया कर। हाँ, उर्दू वेरी बैड। अच्छा खैर, अब बता बारात क्यों नहीं लेके जा सकते? खालू ने धमकी दी है, जो मेरी बेटी की बारात लेके आएगा मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगा। लेग पुलाओ। नहीं यार, शानी खालू के घर जो भी बारात लेके जाएगा उसके साथ खालू यही करेंगे। एंड नॉट वॉट, और नहीं तो क्या? अरे अब मैं क्या करूं यार, अब मैं किन टांगों पे बारात लेके जाऊंगा? हाँ, मेरा मसला हल हो गया। हाउ? कैसे? देख, तेरी बारात मुझसे पहले है 15 तारीख को। अभी तक तो है भाई, बस दुआ करो। और तेरा मेरा मोहल्ला भी एक है, तेरे और मेरे बराती भी एक ही होंगे। यस। हाँ, तो मेरा मसला हल हो गया। पहले बारात तू लेकर जाएगा, खालू उन सारे बरातियों की टांगे तोड़ेंगे, फिर उन्हीं बरातियों को मैं अपनी बारात में लेके जाऊंगा। जब सबकी टांगे टूटी होंगी तो खालू किसकी टांगे तोड़ेंगे? कैसा? यानी तेरी बारात में सारे लंगड़े जाएंगे? हाँ हाँ, यू वेरी चलाक। बट मेरी अम्मा नॉट लेस, शी थिंक वन वे, उसने एक रास्ता सोचा है। क्या? अम्मा पहले एक बाल कसाई को भेज के खालू की टांगे टुड़वा देंगी, उसके बाद हम बारात लेके जाएंगे। कैसा? यार अम्मा वेरी फास्ट, बड़ी चला गया तेरी अम्मा। लेकिन एक बात है, एक बाल कसाई की तदफीन और नमाज जनाजा की खबर मुझे जरूर दीजिए। हाँ, ईमेल कर दूंगा।
खैरन खैरन क्या हुआ? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? ये तुम्हारा घर है या चौराहा? सारे मोहल्ले के लुच्चे लफंगे तुम्हारे घर में घुसे रहते हैं। क्या कह रहे हो साबिर अली? कौन घुसा रहता है? ना सिर्फ घुसा रहता है बल्कि दीवार से मेरे घर की तरफ झांकने की कोशिश भी करता है। कौन झांकता है बताओ तो सही। किस किस का नाम लूं? तुम्हारा घर जो है ना लफंगों का ठिया बन गया है। मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हो तुम। तुम क्या समझोगी? तुम्हारा तो अपना बेटा लफंगा है। क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ज्यादा नन्नी मत बनो। तुम ये बताओ तुम ये सब क्या खेल खेल रही हो, क्या चक्कर चला रही हो तुम? मैं क्या चक्कर चला सकती हूँ, मैं तो कोई खेल खेलना जानती हूँ ना चक्कर चलाना। ज्यादा है ना टसवे बहाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये मोहल्ले के जितने गुंडे लफंगे लोफर हैं ये तेरे घर में क्यों आते हैं? तू क्या इलाके की गुंडा है? खैरन दादा है तू? आप यकीन करें मेरे घर में तो कौए चीले नहीं आती है, मैं गोश्त फेंक फेंक के बुलाती हूँ, मना कर देती है। इलाके का कुत्ता मना कर गया मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे दरवाजे पे। आप यकीन करें सालों हो गए कोई मेरे दरवाजे पे भी नहीं आया।